जर्मन फैशन फोटोग्राफर क्रिस्टियन शुलर जब सेट पर होते हैं तो एक्शन की कोई कमी नहीं होती, ना कैमरे के आगे और ना उसके पीछे। फोटोशूट के लिए वो बड़े और शानदार स्टेज बनाते हैं। मुझे कहानियाँ कहना पसंद है। मैं दो आयामों वाली कोई आम फोटो नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे किसी फिल्म के हिस्से जैसा बनाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे अपनी कहानियाँ चुपचाप कहना पसंद नहीं। मैं वो हूँ जिसे चीते, हाथी, पैराशूट या हजारों गुब्बारों के साथ काम करना पसंद है। मैं मन से वो छोटा लड़का हूँ जिसे खेलना पसंद है। ऐसी तरह तरह की अभिव्यक्ति से भरी उनकी फोटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर पत्रिकाओं का हिस्सा रही हैं। कई तो उनके कवर पेज पर भी सजी हैं, जो किसी भी फैशन फोटोग्राफर के लिए गर्व की बात है। मॉडल और फोटोग्राफर के बीच केमिस्ट्री अहम होती है। एक साथ काम करने के लिए एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा हो कि एक साथ हंस सकें, फिर वापस काम में ध्यान लगा सकें। अगर ऐसा न हो तो परेशानी हो सकती है। शुलर का आज का शूट फैशन मैगजीन हार्पर बाजार के अरबी संस्करण के लिए है। वो रेगिस्तान में फोटोग्राफी कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से शूटिंग शुरू होती है, सूरज उगने के साथ। इस मैजिक आवर में रोशनी सबसे अच्छी मानी जाती है। अपनी तस्वीरों के जरिए शुलर एक बार फिर एक कहानी कहना चाहते हैं। आज के शूट की कहानी मेरे लिए एक छोटी सी परियों की कहानी है। एक छोटी सी लड़की जो बाहर निकलकर पूरी दुनिया जीतना चाहती है। कॉन्सेप्ट ये है कि वो गर्म हवा का गुब्बारा पकड़ती है, पैराशूट लेती है और कई तरह के एडवेंचर करती है। ये सब करने में बिल्कुल भी आसान नहीं है। ट्यूनीशियाई मॉडल आसा स्लिमेने आज फोटोग्राफर शुलर के साथ पहली बार काम कर रही हैं। यहाँ खूब गर्मी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग डिहाइड्रेट हो गए हैं। गर्म गुब्बारों को जब मैंने हाथ में लिया तो वो भी काफी भारी थे। ये सारी चुनौतियाँ हैं। दुबई से अब चलते हैं बर्लिन। कई साल न्यूयॉर्क और पेरिस में रहने के बाद शुलर एक बार फिर जर्मनी लौट आए हैं और सब परिवार बर्लिन में ही रहते हैं। अपनी नई किताब में उन्होंने बर्लिन को भी अपनी तस्वीरों में प्रमुखता से दिखाया है। इनमें भी बर्लिन की मशहूर नाइट लाइफ के अनोखे दिखने वाले किरदारों को उन्होंने जगह दी है। मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो सच में वैसी जिंदगी जीते हैं जैसी उनकी कल्पना है। कहने सुनने वाली बात नहीं, शाम को घर पर बैठकर टीवी देखते समय नहीं, बल्कि हर पल, यानी जब वे सुबह उठते हैं तब से वो वैसे ही जीते हैं। बाहर से देखकर लोग उन्हें पागल या असामान्य समझते हैं, वैसे लोग, यही लोग कल की तस्वीर रचते हैं। ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन इनके अलावा सब बोरियत से भरा है। आज का काम बर्लिन के फ्रीडरिशस्टैट पैलेस के लिए कैंपेन शूट करना। यूरोप के इस सबसे बड़े रिव्यू थिएटर की इस शूट में वो कलाकारों के साथ ग्रैंड बॉलरूम में फोटो ले रहे हैं। उनके साथ होती हैं हमेशा की तरह उनकी पत्नी और सेट की स्टाइलिस्ट पेगी शुलर। मेरे काम की सबसे सुंदर बात ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। परियों की कहानी, सपनों और कोरी कल्पनाओं को लोगों के साथ असलियत में उतारने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ बढ़िया डांसर हैं, गायक हैं और मेरा केवल एक काम है, शानदार तस्वीरें लेना। इसमें हर कोई मदद करता है, अपनी भूमिका निभाता है। ऐसी खुशियाँ हमें रोज मिले तो क्या बात है, और क्या चाहिए। चाहे शुलर कहीं भी किसी भी चीज की फोटोग्राफी कर रहे हों, अपने काम को लेकर उनका जुनून हर तस्वीर में झलकता है।